प्रिय श्रोताजनों, आज की मेरी शायरियाँ पर उपकार के बारे में है कि कोई हंसकर मरा, कोई हंसकर मरा, कोई रोकर मरा, जिंदगी उसी की है जो दूसरों के लिए मरा, जिंदगी उसी की है जो दूसरों के लिए मरा। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिलशाद तू, जब तुम न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू, विचार लो, कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु, तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, मुबारक है जो दिल में दूसरों का दर्द रखते हैं, आंखों में आंसू और लब पे आहें सर्द रखते हैं। एक विद्वान विचारक ने श्रेष्ठ विचार दिए कि he that does good to another does good to himself, अर्थात जो दूसरों की भलाई करता है वह अपनी ही भलाई करता है। इट डज नॉट कॉस्ट टू बी काइंड, दयालु और परोपकारी बनने की, कोई कीमत नहीं होती है। अरे जिंदगी में आए हैं तो झरने की तरह बहना सीखो, पानी की तरह मिलकर रहना सीखो, किसी गरीब के पौधे को हरा भरा कर देना, स्वार्थी क्यों पर उपकार के लिए भी जीना सीखो, मेरी सहेलियों पर उपकार के लिए भी जीना सीखो। सीमित कर लेना अपनी चाहों को, आसान कर लेना अपनी राहों को, जीवन में सच्ची शांति पाना है तो दुखियों के लिए फैला देना अपनी बाहों को, धन्यवाद।